हेलो एवरीवन क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चश्मा लिया हो जिसकी छः महीने की वारंटी हो छः दिन में ही वो डिफेक्टिव निकला ना आपको साफ दिखाई दे रहा है सर दर्द हो रहे हैं और सेलर ना उसे रिप्लेस कर रहा है ना उसे रिफंड कर रहा है देन आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है आज हम जानेंगे एज अ कंज्यूमर आप कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम्स में तो so, इंडिया में जो लीगल एक्ट है जो इस कंज्यूमर फोरम में कम्प्लेन करने के लिए गवर्न करता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि अमेंडमेंट एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का अब आप कहेंगे कोई भी कंज्यूमर है जो कि चीज़ें खरीदता है नहीं हर कोई कंज्यूमर नहीं होता है जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉफिट के लिए आपने कोई गुड या प्रोडक्ट्स परचेज किए तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे सेक्शन टू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन टू थाउजेंड ये कहता है कि कंज्यूमर वो है जो कोई भी सर्विस अवेल करता है कोई प्रोडक्ट परचेज करता है फॉर फॉर पर्सनल यूज नॉट रीसेल रीसेल एंड कमर्शियल पर्पसेस अब इसमें resale का मतलब है कि आपने कोई चीज खरीदी जैसे कि ये चश्मा और आपने ये चश्मा किसी थर्ड पर्सन को जाके बेचा अब इस चश्मे में कोई डिफेक्ट निकला तो आप जाके सेलर को ये नहीं कह सकते कि वो रिप्लेस करें या रिफंड करें बिकॉज ये आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे इस परपज में और कमर्शियल पर्पज ये होता है कि जैसे आपने कोई अपने बिजनेस के लिए आपने किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए कुछ बल्क में कुछ ऑर्डर किया उसमें कुछ डिफेक्ट निकला तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई हॉस्पिटल है और उसमें आपने किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को हायर किया है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स तो आप एज अ कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे बट आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है अपनी एलमेंट क्योर करवाने के लिए उस मेडिकल प्रैक्टिशनर से तब आप कंज्यूमर कहलाएंगे कि complaint? Complaint कौन फाइल कर सकता है? Aggrieved पर्सन जो कि है complainant, जिस जिसको ये problems आई हैं। एनी voluntary कंज्यूमर एसोसिएशन voluntary कंज्यूमर एसोसिएशन वो होते हैं जो consumers के वेलफेयर के लिए बने होते हैं चैरिटी purpose के लिए बने होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पस चैरिटी पर्पज लाइक एनजीओ जो कि कंज्यूमर्स की वेलफेयर के लिए काम करते हैं जो कंज्यूमर्स कंप्लेन खुद से नहीं कर सकते जिनके पास वो साधन नहीं है करने के लिए तो वो उनके लिए काम करते हैं नेक्स्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट इज वन आव मोर कंज्यूमर्स हु हैव द सेम इंटरेस्ट अब सेम इंटरेस्ट का मतलब है जैसे कि मैंने कोई फुटवेयर लिया जिसकी छह महीने की गारंटी है और वो छह दिन में ही टूट गया और सेलर ना रिप्लेस कर रहा है ना रिफंड कर रहा है और आपको जानने में आया कि पहले भी ये चीजें कई और लोगों के साथ हो गई हैं तो आप कलेक्टिवली उस सेलर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं बिकॉज यू हैव द सेम इंटरेस्ट नेक्स्ट इज इन केसेस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर आपके लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अब नेक्स्ट है वेन कैन अ कंज्यूमर लॉन्च अ कंप्लेन कंज्यूमर कब ये कंप्लेन लॉन्च कर सकता है कंज्यूमर ये कंप्लेन तब फाइल कर सकता है जब कोई डिफेक्ट मिला हो जैसे कि ग्राउंड उसके फुलफिल हुए हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर या फिर कोई सेलर प्रोडक्ट बेच रहा है एमआरपी से ऊपर की प्राइस में तब वो कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है देखा जाए तो आप एज अ कंज्यूमर आपको एक लिमिट मिलती है लिमिट दैट इज टाइम पीरियड मिलता है जिसके अंदर ही आप वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं जो कि है दो साल दो साल फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन कॉज ऑफ एक्शन मतलब जब आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तब से लेके दो साल तक आप ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और अगर दो साल से ऊपर भी चला जाता है तो आपको एक रीजनेबल कंडीशन देनी पड़ेगी कि आप ये दो साल बाद कंप्लेन फाइल करने क्यों आ रहे हैं द कंप्लेनेंट मस्ट है लीगल कैपेसिटी तेन होना चाहिए मेजर होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए कंप्लेन फाइल करने के लिए नेक्स्ट है ग्राउंड्स अब ग्राउंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ग्राउंड्स वो होते हैं जैसे कोई जैसे ये डिफेक्टिव निकला या तो सेलर कोई अनफेयर ट्रेड के अंदर कर रहा है जैसे कि एम से ऊपर आपको चीजें दे रहा है जो चीजें ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड है जिनपे बैन लगा हुआ है वो दे रहा है या फिर कोई हजार चीज है फॉर लाइवलीहुड ऑफ अ पर्सन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रोडक्ट है वो बेच रहा है तो ये ग्राउंड्स के अंदर आप रिलीफ मांग सकते हैं नेक्स्ट इज आप ये रिलीफ कहा मांगने जाएंगे दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो कि थ्री टायर फॉर्म में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर थ्री टायर फॉर्म इसलिए बिकॉज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फोरम जो कि है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम आपका कोई प्रोडक्ट है जो 20 लाख के अंदर आता है डिफेक्टिव निकला है या फिर आपने कोई सर्विसेज अवेल की हैं जिसकी प्राइस है Till 20 लैक्स तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन फाइल करेंगे अब ये पैक्यूनरी लिमिट दैट इज प्राइज लिमिट इसलिए बताई जाती है ताकि आप हर आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको किस फोरम में जाना है तो अगर 20 लाख तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में होता है देन द सेकेंड लेवल इज स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम इसमें पेक्यूनरी लिमिट जो की प्राइस लिमिट है वो है 20 लाख से एक करोड़ तक ये हर एक स्टेट कैपिटल में सिटुएटेड होता है अब इसके अंदर आप 20 लाख से एक करोड़ के बीच में अगर किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज की प्राइस ये है तो आप ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं उस स्टेट में नाउ द टॉप लेवल इज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो कि डेली में है ये फोरम वो केसेस लेता है जो कि एक करोड़ से ऊपर जिनकी प्राइजेस होती हैं प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की तो वो केसेस आते हैं इनके और इसकी अपील जाती है सीधा सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट इज रिलीफ्स आपको क्या मिलते हैं अगर इफ यू हैव जेन्युअन ग्रीवेंसिस और कोर्ट आफ्टर प्रॉपर कंडक्टिंग ऑफ टेस्ट मतलब उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाया कि एक्चुअल में ग्रीवेंस है आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई है कंज्यूमर को और सेलर गलत चीजें कर रहा है एक गुड को सेल करने में तो ये रिलीव आपको मिलती है फर्स्ट वन इज रिफंड आपको वो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसका रिफंड मिलता है साथ में आपको एडिशनल कॉम्पनसेशन भी मिलते हैं डैमेजेस में जैसे आपने काफ़ी टक्कर लगाए हों और आपने ऑनलाइन कंप्लेंस की ऑफलाइन कंप्लेंस की तो आपको वो कॉम्पनसेशन भी मिलता है आपको रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स रिमूवल डिफेक्ट्स ये होते हैं जैसे इसमें कोई डिफेक्ट आ गया है तो कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि ये डिफेक्ट्स रिमूव किए जाएँ हटाए जाए फ्टर कंडक्टिंग प्रॉपर टेस्ट और रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स जो की आप चाहते हैं रिफंड रिप्लेसमेंट वो भी मिल जाता है इम्पोजिंग और बैन ऑन द सेल ऑफार्ड्स का गवर्नमेंट ने टी प्लांटेशन में यूज होने वाले डेजोमेट पेस्टिसाइड को बैन किया गया बिकॉज इट वॉज कंसिडर टू द लाइवलीहुडीपल नेक्स्ट इज एन ऑर्डर टू डिस्कटिन्यू अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर रिस्ट्रिक्टिड ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर प्रैक्टिस बैन लगा हुआ है वो चीज आपको बेची जा रही है तो भी कोर्ट सेलर को ये ऑर्डर दे सकता है और या फिर गुड्स को बैन करवा सकता है नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुखजिंदर सिंह वज सोल्यूशन ये केस है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्सल फोरम का इस केस में क्या हुआ सुखजिंदर सिंह ने एक चश्मा लिया था जिसकी वजह से उनको हेडेक्स होने लगे उनके आँख में दर्द होने लगा वो लेंस लेंसकार्ड के पास गए उन्होंने इसको सही करवाने के लिए बोला उन्होंने सही किया उसके बाद उनको इस पे स्क्रैचेज मिले सही करवाने के बाद उसके बाद वो वापस गए कि उनको रिफंड मिल जाए या रिप्लेस कर दो पर लेंस कार्ड ने नहीं किया उन्होंने ऑनलाइन कम्पलेंस की ऑफलाइन भी कम्पलेंट्स की पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिला तब वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए और डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ये माना कि लेंस लेंसकार्ड सोल्यूशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंडक्ट करवाता है दैट इज वो क्वालिटी से नीचे के प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो सुखजिंदर सिंह को एज अ रिलीफ कॉम्पनसेशन मिला और उनको रिफंड भी मिला गया और उनको कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी मिला जो कि तभी मिलता है अगर आप कंप्लेन फाइल करते वक्त ये क्लेम करते हैं नेक्स्ट इज ऑनलाइन फोरम्स अब आप कहेंगे कौन है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए वकील हायर करे जी नहीं आपको वकील के पास नहीं जाना है ये आप खुद कर सकते हैं घर बैठे भी कर सकते हैं दे आर ऑनलाइन फोरम्स लाइक कंज्यूमर हेल्पलाइन ई दाखिल एंड ऑनलाइन लीगल इंडिया एंड ऑल्सो उमंग ऐप के अंदर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेन ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं और उसके बाद आप ये कंप्लेन कंज्यूमर फोरम में भेज सकते हैं बट ये फाइल करने से पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजना होगा सेलर को कि आप ये कंप्लेन फाइल कर रहे हैं और रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से और स्टेलर मानता है और वो रिप्लेस या रिफंड कर देता है तो वो डिस्प्यूट वहीं सेटल हो जाता है और अगर नहीं करता तब आप इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी और आपकी डे टू डे लाइफ में काफी बेनिफिशियल भी है थैंक यू